दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम संसद में बेहोश हो गईं। संसदीय कार्य मंत्री ने तुरंत ही डॉक्टरों को बुलाया और फूलो देवी नेताम को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम संसद में बेहोश हो गई और फिर उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने फौरन ही डॉक्टरों को बुलाया और उनको आन फान में एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम संसद में, और बताया जा रहा है कि बहस के दौरान वो बेहोश हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने फौरन ही डॉक्टरों को कॉल की और एम्बुलेंस की तस्वीरें में भी आप देख रहे हैं, आनन फान में उनको अस्पताल भेजा गया है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने फौरन ही डॉक्टरों को कॉल की, एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है सांसद फूलो देवी नेताम को। नीट को लेकर गर्मा गर्म विरोध प्रदर्शन चल रहा था, बहस चल रही थी और इसी दौरान फूलो देवी नेताम की तबीयत बिगड़ने लगी, वो बेहोश हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ते देख संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल की, डॉक्टरों को तुरंत बुलाया और उसके बाद उनको अस्पताल भेजा गया है।